So hello everyone, Tashitale and good morning from Kelat. So आज मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ केलात का एक नज़ारा, ठीक है। तो कल हम यहाँ आके ठहरे थे, तो देखिए यहाँ का नज़ारा। गुड मॉर्निंग है सर। देखिए खजर खजर देहरादून ला खजर है। डिग्री वेदर की 32 से डायरेक्ट आज 15 डिग्री सेल्सियस तक। गुड मॉर्निंग यंग जन। तो देखिए गंजी से डायरेक्ट जैकेट पे आ गया, 15 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ठंड है। आप यहाँ से भी ऊपर जा रहे हैं, हम मनाली जाएंगे, मनाली से ऊपर हम अटल टनल जाएंगे, तो मिलेंगे हम थोड़ी देर में। तो तब तक बने रहेंगे, अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं सोलन वैली। तो सोलन वैली के थोड़ा नीचे ही रुका है अभी थोड़ा। हमारा एक आचा को क्या हो गया, पेट में गुड़गुड़ा हो गया ना, तो यहाँ पे सब लोग फोटो एंजॉय कर रहे हैं। अटल टनल पहुंच, वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। यू आर लुकिंग सो प्रीटी अजय। थैंक यू सो मच। तो सब लोग यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, और ये देखिए ऊपर नज़ारा, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। देखिए ना, खुट्टा से ना काट दिन रे, खुट्टा काटे मेरे माथे कसरी हिड़न। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सोलन वैली पे, और मैं यहाँ पे साइड पे बैठा हूँ, और यहाँ आचा ड्राइव कर रहा है, आचा हैवी ड्राइवर है फिलहाल के लिए। और यहाँ पे हमारा साथ है आज सर नंजम एंड यंग जे। तो एंजॉय कीजिए व्यू को, ठीक है। तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर जाके दिखाई दे। अटल टनल पहुँच गया, लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। इंडिया ही होगा शायद अटल टनल रोहतांग। निकल चुके हैं हम लोग अटल टनल से, और लगभग हम लोगों को लगा 10 मिनट। देखिए यहाँ पे है टनल, और हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। दिखाएंगे अभी कैसे है, ठीक है। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। वाओ, ये लद्दाख फील हो रही है। मैले पनि अब खालि भिडियोमा मात्रै देखेको। हम आज ब्रेकफास्ट गर्ने जा रहे हैं यहाँ पे रूफ टॉप में। देखिए यहाँ का नजारा, दो गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर दिया। आज हमारा साथ नया मेंबर यहाँ पे जो जिगमितिन जी जुड़ा है, वेलकम टू माय चैनल। खास गाइड है आज। ये दोनों फोटो खींच रहे, देखिए यहाँ का व्यू। और यहाँ पे टेन का सुविधा भी है, ये 1000 पर हेड। वाओ, जितना भी देखो उतना कम पड़ रहा है यहाँ पे। देखो भाई, इसको मिस मत करना। देखो यार ये पहाड़, देखो यार, लगता है कि ऊपर जाके किसी ने मतलब एकदम कटिंग करके बनाया है, बहुत शानदार सा लग रहा है। सो गाइस, अभी हमारा परांठा भी आ चुका है, और आ चुका मतलब ख़त्म ही हो चुका। अब थोड़ा इंस्टाग्राम में लाइव किया था, तो मतलब वीडियो तो बनाना ही भूल गए सब लोग। हाँ, ब्रेकफास्ट कर चुका है, ब्रेड ऑमलेट में शुभ। और ये परांठा इतना टेस्टी है ना, टेस्टी क्या बताऊँ इसके बारे में। जितना खूबसूरत जगह है ना, उतना ही टेस्टी परांठा। वाओ,
दी का ना जबलो कावी रहे दी फ्रंट डू मरवा कच्चे लोगों जो खरीदों तो कावी गुचु मरवा अनि निवा खरीले लोगों जो खाला सासा दिन कावी रवा धंबोच खाला ऑर्डर टिक रहे धंबो पार दम ने खासे कवा दे या मर दी छे मर कच्चे ने खाजे खाजे कॉफी गुगो रे खाजे कॉफी सा यूज़ गुगो रे खाजे हम मेजो गुगो रे मेरे पे रे 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 फर्स्ट थिंग डू इज जस्ट वेट लेट मी फिनिश फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज हवाला कान रवा तेल तक तक खाला धंबो ऑर्डर छे then we can disperse for like 5-10 minutes photo thing the thama then come back again and have food and then moving okay yes. is that clear okay very clear much glad one more next time mujhe the hotel door khala sa le ra khala chho khali sa ye chho khali sa ke je chhe minda meeting order te gire jo bhi asan lage ga wo order karna hai ah lovely lovely we say rahe ga ठीक yes, okay. है चूचू ने बहुत अच्छा ब्रीफिंग किया अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट खत्म करके और यहाँ से अरे उसके बाद ड्रोन कहाँ रोकना है वो जिमी ने बताएगा हाँ क्योंकि yes, उसको के बाद बाद रोकना जरूरी है वाओ ड्रोन से तो बहुत अच्छा फुटेज आएगा यहाँ पे सो गाइस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट खा के निकल रहे हैं फिर ऊपर ये तीर्थ की तरह तो सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और एक आगे गाड़ी निकला और अभी ड्राइव मैं कर रहा हूँ आचा को इधर रख दिया क्योंकि आचा ने बहुत देर से ड्राइव कर रहा था तो अभी आचा को थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो मिलते हैं थोड़े ऊपर जाके हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिलोकीनाथ ये एक ऐसे क्या बोलते हैं तीर्थ है जो कि हिंदू और तिब्बतन दोनों की एक मंदिर है तो यहाँ पे ऐसे स्टॉल मिलेगा आपको देखने को और यहाँ पे आप ये मंत्र की माला और ये मंत्र ये पूजा करने के सामान सब कुछ मिलता है यहाँ पे देखिए और चिप्स वगैरह तो इसके अंदर कैसे क्या कुछ है मैं दिखाऊँगा आप लोगों को बने रहिए वीडियो में ये एक तीर्थ है तो दर्शन कीजिए ठीक है ये त्रिलोकीनाथ टेंपल ये है सबसे पहले तो आपको मंदिर हो या गुम्बा बाहर में जूता उतारना चाहिए तो इसके अंदर एंट्री करते हैं यहाँ पे होम चल रहा है अभी ये त्रिलोकीनाथ धाम भी दर्शन हो चुका है और ये त्रिलोकीनाथ धाम में ना मतलब हमारा बुद्धिस्ट का भी है और हिंदू का भी है और ये रास्ता है ना आपको यहाँ से उदयपुर चंबा और कश्मीर भी जाते हैं यहाँ पर एक छोटा सा गांव है और ये देखिए नज़ारा ऊपर की तरह हिमालय है और ये ग्रीनरी इतना अच्छा है यार मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से छोड़ के जाऊँ और जो अंदर की तरह एक टेंपल था जो मैंने दिखाया है आप लोगों को और उसके अंदर भी दूसरा टेंपल था हमारा तिब्बतन का है ना जो वहाँ पे था मैं तिब्बतन में बोलूँगा तिब्बतन लोग के लिए वहाँ फगेला रहा जो चेरे से की कूदू अनि तेम्बा कूदू रहा अन्य चार शैम्पू चिक रहेगा यानी कि बहुत ही एकदम प्रीशियस धाम है ये हमारे लिए ये दर्शन करके ना बहुत ही अच्छा लगा ये थोड़ा सा स्टैंड है तो देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है यार
गाइस अभी एक भैया ने बोला कि ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है एक रास्ता जैसा, यहाँ से वो लोग ट्रैकिंग जाते हैं मतलब चंबा के लिए, 3-4 दिन लगेगा ऐसे कुछ बोल रहा था। और दूसरा भैया ने बोला कि हमको यहाँ से ऊपर जाते समय एक तिब्बतन का ने है, ऐसे कुछ ने है बोला, ने का मतलब है एक धाम है, मतलब यानी कि एक दूध का, दूध का एक क्या बोलता है लेक है, सो तिब्बतन में कहते हैं हुमायसो बोल रहा था। तो देखिए यहाँ से नीचे नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा है, बाप रे बाप, इसको क्या बताऊँ यार। और जो हम लोग अभी टेंपल में गया था, उस टेंपल के अंदर जो हम लोग बोलते हैं कि चेरेसी है ना, चेरेसी का कू है, वो भी ये ऊपर होमेसो के अंदर में मिला था और वहाँ से उठा के लेके आके यहाँ रखा, ऐसे बोल रहा था। और उसको बोलते हैं यहाँ का लोग 7 धारा, वहाँ पे 7 धारा है। आप लोगों को तो पता ही होगा ये जो 9 नाथ है, आप हिंदू का एक 9 नाथ है, उनमें से एक ये त्रिलोकी नाथ है, ये बोल रहा था भैया। तो गाइस बने रहे वीडियो में, अब हम लोग वापस जा रहे हैं, इतना अच्छा खूबसूरत व्यू था आप लोगों को सारे दिखाया, तो मिलते हैं रास्ते में, सी यू गाइस। जो जिप लाइन बोला था ना मैंने, वो यहाँ से जा रहा है वहाँ तक, फिर वापस बैक टू वहाँ तक जा रहा है। तो वहाँ से वॉक करके जाने वाला रास्ता भी बनाया हुआ है। तो लुक एट दिस, ये नज़ारा इतना खूबसूरत है ना भाई, बताओ क्या आपको। हमारा भाभी यहाँ पे बीमार पड़ गया है, लेकिन अभी ठीक है, पहले से बेहतर है ना। सबसे छोटी बच्ची हमारे ग्रुप में। सो गाइज अभी मनाली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, हम लोग लगभग 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो यहीं पे अंत कर रहा हूँ। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।